हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे करंट जीके की, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अपने बात करते हैं पहले क्वेश्चन। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना, ताकि दोस्तों सभी आसानी से पढ़ सके इस क्वेश्चनों को। हाँ, पहले क्वेश्चन है अपना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? तो पहला ऑप्शन अपना प्रियंका चोपड़ा और इवांक ट्रंप और मलाला यूसुफजई और कैरोलिना मरीन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मलाला यूसुफजई। ठीक है, राइट आंसर है इसका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है? झारखंड की सरकार ने या फिर राजस्थान, असम और महाराष्ट्र की? चलिए दोस्तों आप आंसर बताइएगा, तो इसका राइट आंसर वो है महाराष्ट्र की सरकार ने फिलहाल किसान ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप बताइए कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। दोस्तों आप साथ साथ में रिपीट जरूर करना और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ किया? दोस्तों एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगामी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप बताइए, वोडाफोन, जियो या एयरटेल या बीएसएनएल, कौन सी कंपनी ने वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो है एयरटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? जो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी है लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस या फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी? तो दोस्तों आप बताइए, तो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों टेनिस के वो खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदल कर रखा है? तो दोस्तों रोहतांग टनल का नाम बदल दिया और क्या रखा है वो आप बताइए। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन है वो हिंदू टनल या फिर अटल टनल या फिर भारतीय टनल, गांधी टनल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अटल टनल रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जोन्स ग्रीन या मैनुअल मरेरो या फिर मंडर फिलिप रूसो जेम्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मैनुअल मरेरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है 23 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? अमित सरन को या नेहा श्राफ को या हर्षवर्धन श्रृंगला को या कीर्ति चौधरी को? तो दोस्तों आप बताइए राइट आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हर्षवर्धन श्रृंगला है। ठीक है, नेक्स्ट अपना दसवां क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो दोस्तों अपना फर्स्ट ऑप्शन है पैडमैन या फिर केसरी, अंधाधुन या कबीर सिंह है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अंधाधुन। ठीक है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? दोस्तों हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो पहला ऑप्शन है अपना ओफिली मेरजिनो या सुमन राव, जिनी पेल या फिर टोनी एन सिंह। तो दोस्तों इसका आप आंसर कमेंट करिएगा और आप बताइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? तो दोस्तों इसका महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी या बाल ठाकरे या अरुण जेटली। तो दोस्तों आप बताइए, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी या बाल ठाकरे या अरुण जेटली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ है बाल ठाकरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 चुना है? जो टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो एलिना फिल या फिर ग्रेटा थनबर्ग या फिर जेन मोरिस या फिर रिका जोन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को या 2 दिसंबर को या 1 दिसंबर को या 6 दिसंबर को। तो दोस्तों आप ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, 5 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फावेट के सीईओ बने हैं? कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फावेट के सीईओ बने हैं? जितिन शर्मा या आलेख कुमार या वरुण चौपाल या सुंदर पिचाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अभी बने हैं सीईओ, तो सुंदर पिचाई। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? कौन से राज्य की सरकार ने फिलहाल स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ओडिशा की सरकार ने, असम की सरकार ने। तो दोस्तों जो मधु ऐप लॉन्च किया वो ओडिशा की सरकार ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कीर्ति सेनन ने, दिया मिर्जा या मलाइका अरोड़ा, अनुष्का शर्मा। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके किसको मिला है। तो दोस्तों वो अवार्ड मिला है जो मलाइका अरोड़ा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, 26 नवंबर को या 25 नवंबर को या 27 नवंबर को या 20 नवंबर को। तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर बेन कैरेसोन या डॉक्टर फिलिप फ्रोस्ट या फिर डॉक्टर रॉन पॉल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? जो हाल ही में कौन राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस या शरण पवार या फिर संजय निरुपम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलेंगे इस चैनल पे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों को शेयर करना और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो शिक्षक भर्ती या अदर जो भी न्यूज़ है वो अपने चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, और जो भी लेटेस्ट जो भर्ती आती है इसके लिए भी अपने न्यूज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।